फ्रेंड्स अब अपन लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन टेंजेंट में अपने पास दो कॉमन टेंजेंट होते हैं, बीसीटी एंड टीसीटी, है ना। तो अपन सबसे पहले लेते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट में अपन सबसे पहले डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालेंगे। कैसे, देखो सपोज ये सर्कल है एक आपके पास, एक ये दूसरा सर्कल है आपके पास, ये वाला सर्कल है आपके, कॉमन टेंजेंट बीसीटी क्या होगा, बीसीटी ऐसे होगा, बीसीटी यू होगा, टच करते हुए निकलेगा, ये बीसीटी हुई आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बीसीटी हुई, इसका सेंटर सपोज सी वन था, इसका सेंटर सपोज सी टू था, यहां सेंटर से जब इसको टेंजेंट डाला तो ये 90 डिग्री, सॉरी इस टेंजेंट वाले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाया तो ये 90 डिग्री होगा, इस सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाया तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसकी रेडियस आर वन है, ये वाली लेंथ R1 है, इसकी रेडियस R2 है, C1 और C2 को मिलाया तो ऐसे एक लाइन बनेगी। सपोज ये वाली डिस्टेंस C1 C2 के बीच की डिस्टेंस को अपन d मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं d। अब अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कहां कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट या अपन लेंथ ऑफ BCT बोल देते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ BCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ BCT, ठीक है फ्रेंड्स। अब कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब चीजें अपनी हो गई, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ये लेंथ, ये कॉमन टेंजेंट हो गई, ये वाली लेंथ कैलकुलेट होती है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाती है, इनके बीच की डिस्टेंस को d माना गया। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे डालता हूँ, सी टू से इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो यहां से मैं 90 डिग्री पे ले जाके ये यहां से एक लाइन लाता हूँ और यहाँ 90 डिग्री पे लाके मुझे मिलाएंगे ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो फ्रेंड्स ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस R2 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये वाली R2 होगी। तो फ्रेंड्स ये वाली कितनी होगी, ये वाली फ्रेंड्स R1 माइनस R2 होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी R1 माइनस R2, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला फ्रेंड्स कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो अपने पास क्या हुआ, देखो अपने पास ये एक ऐसे ट्राइंगल बना, ये वाला, ये 90 डिग्री था, सेम वे में मैंने बना दिया, ये वाली लेंथ, अब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ बीसीटी हो गया, ये वाली लेंथ ऑफ बीसीटी, ये वाली लेंथ ऑफ बीसीटी, ये वाली कितनी थी, ये वाली थी आर वन माइनस आर टू थी, और ये कितनी थी, ये डी थी। तो ये अपन ने यहां से ये राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया। अब आपके पास पाइथागोरस जी की कृपा होगी, तो पाइथागोरस जी क्या बोल रहे हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके स्क्वायर के। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ डी सी टी का होल स्क्वायर। आपको लेंथ ऑफ डी सी टी फाइंड आउट करनी थी, तो लेंथ ऑफ डी सी टी का होल स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट भी लगा ही देते हैं, d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई लेंथ ऑफ BCT का फॉर्मूला हो गया। आपको याद रखना है क्या फॉर्मूला हो गया, कि दोनों d क्या है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और r1 माइनस r2 क्या है, दोनों सर्कल के बीच का डिफरेंस, इसका स्क्वायर इसमें से माइनस करें तो अंडर रूट करते ही आपको लेंथ ऑफ BCT मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करें, फिर लेंथ ऑफ TCT फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड लेंथ ऑफ टीसीटी, डीसीटी के बाद में अपन लेंथ ऑफ टीसीटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ टीसीटी, टीसीटी की लेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। क्या करते हैं अपन, एक सर्कल लेते हैं यहां पे, ये सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल लेते हैं, ये वाला सर्कल ले लिया अपन ने एक यहां पे, ठीक है, ये सेकेंड सर्कल ले लिया अपन ने यहां पे। अब अपन क्या करते हैं, ये वाले सर्कल से एक टेंजेंट जाएगी, यूं यूं जाते हुए, जाते 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 यहां टच करते हुए निकल जाएगी, इसको ऐसे टच करके निकल जाएगी, ठीक है। इसका सेंटर क्या था, C1 था, इसका सेंटर क्या था, C2 था, C2 से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये मिलाया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को तो परपेंडिकुलर होगा। इसकी रेडियस क्या थी, R2 थी, इसकी रेडियस इसको यहाँ से मिलाया तो ये भी 90 डिग्री पे होगा। इसकी रेडियस क्या थी, R1 थी, ये R1 मानी, फिर C1 C2 को मिलाया, ये C1 C2 अपन ने मिला दिया दोनों को पॉइंट्स को, ये C1 C2 को मिलाया, ये वाली डिस्टेंस अपन क्या ले लेते हैं, d ले लेते हैं, क्या ज़ूम कर लेते हैं, d, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन क्या करते हैं, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करते हैं, यहां से जाके इसको 90 डिग्री पे मीट करते हैं, ये वाली लाइन आगे प्रोड्यूस करते हैं और इसको लाइन को ऐसे ले जाते हैं
कि ये दोनों किस पे मिले, 90 डिग्री पे। तो ये 90 पे मिली, तो ये 90 पहले से था, तो ये 90 हो गया, तो फिर ये भी क्या हो गया, 90। तो आपको देखने से पता चला, क्या पता चला कि ये वाली लेंथ क्या थी, लेंथ ऑफ टी सी टी थी। सॉरी, ये वाली लेंथ क्या थी, ये वाली लेंथ थी एल टी सी टी, लेंथ ऑफ टी सी टी थी। एल को थोड़ा ठीक से बना देते हैं, ये एल टी सी टी थी, लेंथ ऑफ टी सी टी थी, कहां से, यहां से लेके और यहां तक, ये लेंथ ऑफ टी सी टी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लेंथ ऑफ टी सी टी थी, तो ये भी लेंथ ऑफ क्या हो गई, ये भी लेंथ ऑफ टी सी टी बन गई, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में ये वाली साइड इक्वल होती है। साथ साथ देखें, यहां पे ट्राइंगल बन गया, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल बन गया, ऐसे समझ में आ रहा होगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मैं इसको एज इट इज बाहर निकाल लेता हूं, यू का यू जैसा ये है अभी, यू का यू बाहर निकाल लिया, ये 90 डिग्री था। ये वाली डिस्टेंस कितनी थी फ्रेंड्स, डी थी। ये वाला क्या था, लेंथ ऑफ टी सी टी था, टी सी टी ये था। और ये वाला क्या था, ये वाला हो गया फ्रेंड्स, ये आर टू था। ये वाली साइड से ये वाली साइड इक्वल होगी, ये अगर R1 है तो ये भी क्या होगी R1, और ये पूरी लेंथ होगी R1 प्लस R2 होगी। ये पूरी लेंथ क्या होगी R1 प्लस R2, ये लेंथ ऑफ TCT हो गई, और ये अपने पास लेंथ ऑफ ये पूरी लेंथ क्या हो गई, D हो गई। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फ्रेंड्स, इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, पाइथागोरस से D स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी सी टी का होल स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स एल टी सी टी क्या होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अपन लेंथ ऑफ डी सी टी क्या आया था, वापस यहां पे भी लिख दें, लेंथ ऑफ डी सी टी क्या आया था थोड़ी देर पहले, वो आया था अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, उसमें आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर माइनस करना, और या आर वन प्लस आर टू का करोगे तो लेंथ ऑफ टी सी टी मिल जाएगी आपको। तो ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट अपन ने फाइंड आउट करना सीखा, आप इसको नोट डाउन करें।